नमस्कार दोस्तों, कृष्णा यश की इस यूट्यूब कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम लोग GSPT फोकस करके ये हिस्ट्री एंड कल्चर के सेक्शन को शुरू कर रहे हैं। GSPT की तैयारी जो आप UPSC, UPPCS, BPSC या अदर स्टेट पीसीएस की आप तैयारी करते हैं, तो बेसिक से हमें इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि हिस्ट्री एंड कल्चर के अंतर्गत हमें इंडियन हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे और इस इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम एंशियंट इंडिया के इतिहास को प्रारंभ कर रहे हैं। और एंशियंट इंडिया के अंतर्गत जो फर्स्ट टॉपिक है प्री हिस्टोरिक कल्चर ऑफ इंडिया, राइट। लेकिन इतिहास पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातों की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, एक तो इतिहास में डेटिंग का बड़ा ही महत्व होता है, तो डेटिंग जनरली बहुत सारे डेट आएंगे, लेकिन डेटिंग के संदर्भ में कुछ बेसिक चीज आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। जैसे आमतौर पर इतिहास की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें एक के आपको वर्ड मिलेगा VC, राइट। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस के जन्म के पहले का जो टाइम पीरियड है उसको BC कहते हैं, या एक ईस्वी हम कह रहे हैं। उसके पहले अगर माइनस में जाते हैं तो उसको कहते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट। दूसरा हम यूज करते हैं AD, इसका ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है एनु डोमिन, लेकिन ये यूज होता है, इसका यूज जो किया जाता है ये ईसा के जन्म से, राइट, यानी कि जीसस का जन्म हुआ एक ईस्वी में, तो वहां से हम AD देखते हैं। यानी आज हम लोग आज के डेट में हम लोग कहाँ पर हैं, 2021 AD में हैं, राइट। और अगर पहले आप जाएंगे, जैसे हम कहें कि प्री हिस्ट्री, राइट, तो प्री हिस्टोरिक कल्चर जो है ये सबसे पुराना है और इसकी शुरुआत जो है लगभग 18 लाख BC में हो रहा है, ईसा पूर्व में हो रहा। और अफ्रीका के इतिहास में अगर आप जाएंगे तो अफ्रीका के इतिहास में 3 मिलियन ईयर्स एगो से भी ये स्टार्ट हो जाता है, 30 लाख वर्ष पहले, ईसा के जन्म के 30 लाख वर्ष पहले। तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज ये जानना है कि अगर हम मनुष्य की बात करें, जैसे ह्यूमन का उद्भव माना जाता है कि 3 मिलियन ईयर्स एगो हुआ है, राइट, वहां से प्रारंभ हो रहा मैन का, तो मनुष्य के इतिहास का 99.9% जो समय रहा है वो प्री हिस्टोरिक कल्चर में रहा है। एक ये बात आपको ध्यान में रखना है। BC AD के जानने के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक चीज, कि इतिहास में आप डेटिंग कैसे करते हैं, है ना। जैसे हमने ये तो निर्धारित कर लिया कि ईसा के जन्म के पहले BC
और ईसा के जन्म के बाद का जो पीरियड है उसके लिए एडी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये डेटिंग का निर्धारण कैसे करते हैं इसके संदर्भ में दो चार चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जो पॉपुलर डेटिंग मेथड है उसकी मैं आपको चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार उस पर भी पीटी में प्रश्न पूछे जाते हैं कि डेटिंग कैसे करेंगे। तो डेटिंग का जो मेथड है उसमें एक तो रिलेटिव डेटिंग मेथड है, रिलेटिव डेटिंग मेथड, राइट, और दूसरा क्या है, एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड है। रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, जब हम रिलेटिव की बात करते हैं, सापेक्षिक की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे सापेक्षिक गति आप रिलेटिव वेलोसिटी भी पढ़ते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक के परिपेक्ष में दूसरा, यानी दो चीज़ों का आपस में हम तुलना करते हैं तो हम उसको रिलेटिव डेटिंग के रूप में देखते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि जो इंडस सिविलाइजेशन है वो वैदिक संस्कृति से पुरानी है, लेकिन रिलेटिव डेटिंग में आप ये नहीं बता सकते कि कितनी वर्ष पुरानी है, राइट, कितनी वर्ष पुरानी है इसकी चर्चा आप रिलेटिव डेटिंग से नहीं कर सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप में ये अभी भी इतिहास के डेटिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक जो प्रमुख मेथड है वो प्रमुख मेथड क्या है, ये है स्टीरियोग्राफी, स्टीरियोग्राफी, राइट, इसकी हिंदी होती है स्तरीकरण। देखिए इतिहास में खास करके जब प्री हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे या प्रोटो हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे या हिस्टोरिकल पीरियड का भी अध्ययन करेंगे, तो इन सब में क्या होता है कि आर्कियोलॉजिकल जो साइट है उसका हम एक्सकेवेशन करते हैं, तो एक्सकेवेशन करते हैं तो हम स्टीरियोग्राफी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अर्थ के ऊपर से जो नीचे हम जाते हैं एक्सकेवेशन करते हुए, तो जो सबसे निचला लेयर से जो एंटीक्विटीज मिलता है, एंटीक्विटीज मतलब जो पुराना चीज, पुरावशेष हिंदी में उसको बोलते हैं पुरावशेष, तो जो एंटीक्विटीज मिलता है जो सबसे निचले लेयर में मिलता है वो सबसे पुराना होता है, उसके बाद वाला उसके बाद का, उसके बाद वाले उसके बाद का, तो इसका इस्तेमाल भी हम करते हैं रिलेटिव डेटिंग के लिए। जैसे एक मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ कि ये लोअर पेलियोलिथिक, तो लोअर पेलियोलिथिक का जो साइट है वहाँ जब हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं और वहीं पर अगर हमें लोअर भी मिल रहा, मिडिल पेलियोलिथिक भी मिल रहा, इसके टूल्स मिल रहे हैं, अपर पेलियोलिथिक के मिल रहे हैं, फिर मिडिल पेलियोलिथिक के मिल रहे हैं और फिर नियोलिथिक के मिल रहे हैं, तो देखो रिलेटिव डेटिंग में क्या होगा कि हम कहें कि लोअर पेलियोलिथिक सबसे पुराना है और नियोलिथिक जो है सबसे नया है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं इसके माध्यम से कि रियल में ये कितना पुराना है, राइट, क्योंकि ये साइंटिफिक डेटिंग मेथड नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड, इसका मतलब क्या होता है, निरपेक्ष, इसका मतलब होता है कि रियल में आप बता सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है, कितनी वर्ष पुरानी है। इसकी अंतर्गत जो डेटिंग मेथड है ये साइंटिफिक है, पहला चीज कि ये साइंटिफिक है, यानी वैज्ञानिक के तरीकों के माध्यम से डेट का निर्धारण किया जाता है, और इसमें सबसे जो फेमस है वो है C14 डेटिंग
मेथड जो कि आप लोगों ने सुना होगा, है ना, सुना है C14 डेटिंग मेथड। तो C14 डेटिंग मेथड जो है इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, देखो जब GS पढ़ते हैं तो एक चीज़ ध्यान में ये रखना है कि जनरल स्टडीज़ कभी भी आप केवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री ही नहीं, जहाँ वो साइंस से रिलेट हो रहा है, जहाँ वो फिजिक्स से रिलेट हो रहा, केमिस्ट्री से रिलेट हो रहा है, तो वहाँ उसको आप समझ सकते हैं। जैसे C14 अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है, C14 क्या है, C12 भी होता है, राइट। तो ये कार्बन का आइसोटोप है, ध्यान ये रखना है कि C14 कार्बन का आइसोटोप है, C12 भी होता है, C14 भी होता है। तो C14 का ही इस्तेमाल हम डेटिंग के लिए क्यों करते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन आपको रीजनिंग डेवलप करना चाहिए दिमाग में कि C14 का इस्तेमाल ही हम डेटिंग में क्यों करते हैं। तो देखो C14 क्या है, ये रेडियो एक्टिव है। मैंने अभी आपको बताया कि इतिहास से पढ़ें या कोई सेक्शन पढ़े, GS के लिए जब पढ़ेंगे तो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और जब तक आप उसके इंटरलिंक को आप नहीं समझेंगे तो फिर आप कहेंगे एक तरफ से पढ़ रहे हैं दूसरी तरफ से भूल रहे हैं, ये GS का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप इंटरलिंक को देखिए कि ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है कि इसका स्वतः विखंडन होता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि C14 निचुल अवस्था में नहीं पाया जाता है, राइट। ये जब N4 नाइट्रोजन 14 जो है उस पर कॉस्मिक रेज का बम्बार्डमेंट होता है तो फिर वातावरण में C14 का फॉर्मेशन होता है, और उस C14 को प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपनी बॉडी में ग्रहण करते हैं। और चूंकि जानवर जो है एनिमल, उसमें मनुष्य भी है, वो प्लांट को खाता है, तो फिर एनिमल की बॉडी में आया या मनुष्य के बॉडी में आया। लेकिन ध्यान ये रखना है कि C14 क्या होता है, रेडियो एक्टिव है तो निरंतर विघटित होता है। लेकिन जब जैविक के प्राणी जो है जीवित रहता है तो फिर वातावरण से C14 की आपूर्ति हो जाती है। एक के जैविक प्राणी में, ऑर्गेनिक बॉडी में C12 और C14 की मात्रा नियत होती है, और इसलिए C12 चूंकि रेडियो एक्टिव नहीं है, कांस्टेंट है, और C14 रेडियो एक्टिव है, तो जब किसी भी प्लांट या एनिमल की डेथ होती है तो वहां से C14 एक सर्टेन रेट से विघटित होती है, जिसकी गणना हम प्रयोगशाला में करते हैं और उसके माध्यम से डेटिंग करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि C14 डेटिंग की खुद के लिमिटेशंस हैं। खुद के लिमिटेशंस क्या हैं कि इससे आप 70,000 वर्ष से पुराना चीज़ों का डेटिंग नहीं कर सकते हैं, चीज़ों का डेटिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई, इससे मैं कह रहा हूं कि 70,000 वर्ष से पुराना, उससे अधिक पुराना जो वस्तु है उसका डेटिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी बॉडी का, ऑर्गेनिक बॉडी का डेटिंग करने के लिए उसमें C14 की मात्रा का होना आवश्यक है। लंबी अवधि में C14 इतना विघटित हो जाता है कि उस बॉडी में C14 की मात्रा ही नहीं बचती है, राइट। तो इसलिए इसका एक तो लिमिटेशंस। तो एक प्रश्न PT में भी पूछा जा सकता है कि भाई C14 से अगर हम पेलियोलिथिक का तो डेटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेलियोलिथिक जो पीरियड है वो लगभग 5 लाख वर्ष पुराना है, तो उसकी डेटिंग तो हम इससे कर नहीं सकते हैं, खास करके लोअर पेलियोलिथिक का।
तो उसके लिए हम कौन सा मेथड का इस्तेमाल करते हैं एब्सोल्यूट डेटिंग, तो उसके लिए हम पोटेशियम आर्गन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब देखो पोटेशियम आर्गन मेथड से हम पत्थर का भी डेटिंग करते हैं क्योंकि उसमें पोटेशियम की उपलब्धता होने की संभावना होती है। इसके अलावा भी और डेटिंग मेथड है एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड, जिसमें एक बड़ा पॉपुलर है जिसको बोलते हैं डेंड्रो क्रोनोलॉजी, राइट। ये कम समय के डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कई ऐसी पेड़ है जो 3,000-2,500 वर्षों तक जीवित रहते हैं, और पेड़ में क्या होता है कि हर वर्ष एक रिंग बनता है, पेड़ को जब काटेंगे तो देखेंगे कि उसमें रिंग बनता है, तो उस रिंग का इस्तेमाल जो है डेटिंग के रूप में किया जाता है। तो ये इस प्रकार के प्रमुख जो डेटिंग्स है, इस डेटिंग को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि कभी आपको इस पे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये बेसिक था इतिहास के संदर्भ में। इसके बाद एक दो चीज़ और मैं आपको बताऊं इतिहास की बेसिक चीज़। जब आप इतिहास पढ़ने जाते हैं तो देखो इतिहास पढ़ने के क्रम में ध्यान ही रखना है कि इतिहास तभी समझ में आएगा जब आप सोर्सेज को देखोगे। किसी भी पीरियड का इतिहास पढ़ने है आपको तो कहा जाता है कि सोर्सेज इज द बैकबोन ऑफ हिस्ट्री, तो आपको सोर्सेज की जानकारी होनी चाहिए। और देखो पीटी के दृष्टिकोण से ध्यान में ये रखना है कि जब हम बात करते हैं प्री हिस्ट्री, जो कि आज हम लोग प्री हिस्ट्री ही देखेंगे, तो ये पूरी तरह से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर आधारित है। इसके लिए हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज नहीं है, राइट। तो एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरा लिटरेरी सोर्सेज, ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। लिटरेरी सोर्सेज पूरी तरह हमें मिलता है हिस्टोरिकल पीरियड में। इसके पहले की वीडियो में हमने चर्चा किया है कि जब हिस्टोरिकल पीरियड 6th century BC से शुरुआत होती है तो वहाँ से हमें लिटरेरी सोर्सेज मिलना शुरू होता है, लिखा हुआ साक्ष्य मिलना शुरू होता है, जिसके माध्यम से हम उस काल के इतिहास को जान पाते हैं, है ना। वैदिक के संस्कृति जो है वो पूरी तरह वो भी लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी उसमें है, उस पर आधारित है, लेकिन हमने बताया था कि वो लिखा उस समय नहीं जाता है। तो आपको ये दो तरह के सोर्सेज की जानकारी होनी चाहिए। आगे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा हम लोग सोर्सेज पर बात करेंगे। तो आज हम लोग एंशियंट इंडिया के सेक्शन के अंतर्गत प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप देखिए प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया से पीटी में प्रश्न कम पूछे जाते हैं, राइट। लेकिन एक चीज ध्यान ये रखना है कि जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में मनुष्य के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करते हैं, कल्चरल डेवलपमेंट का अध्ययन करते हैं मनुष्य के। तो कल्चरल डेवलपमेंट का मनुष्य का अध्ययन करते हैं और अध्ययन हमारा यहाँ पर क्या है, पूरी तरह से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर आधारित है, राइट। और इस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में प्री हिस्ट्री के अध्ययन के लिए हमारे पास क्या क्या स्रोत है ध्यान रखना। तो स्रोत में पहला क्या है, आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, दूसरा क्या है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, और इससे मिलेगा स्टोन टूल्स, फिर इससे मिलेगा फॉसिल्स,
फॉसिल्स से आपको एनिमल का भी मिलेगा इस्तेमाल करेंगे, प्लांट का भी इस्तेमाल करेंगे, मैन का भी इस्तेमाल करेंगे। फिर आगे बढ़ के हमें केव पेंटिंग मिलेगा और फिर आगे बढ़ के ये न्यूलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी मिलना शुरू करेगा। तो इतना चीज़ तो हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि इतने चीज़ों के आधार पर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि प्री हिस्ट्री जो है इसको बोलते हैं अर्ली स्टेज ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। राइट, इसके साथ साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें उस पीरियड का इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन की जानकारी होनी चाहिए। अगर ये आपको जानकारी है तो आप प्री हिस्ट्री को बहुत बेहतर तरीके से आप समझते हैं। तो ये प्री हिस्ट्री जो है इसको हम लोग तीन भागों में मुख्य रूप से विभाजित करते हैं। एक तो पेलियोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक और तीसरा नियोलिथिक। राइट, अब देखो पेलियोलिथिक जो है का डेवलपमेंट प्लीस्टोसीन इपोच में होता है और मेसोलिथिक से होलोसीन इपोच। और अभी भी हम लोग होलोसीन इपोच में हैं। तो एक चीज समझना है कि प्लीस्टोसीन इपोच क्या है ना, समझ में आ रही है प्लीस्टोसीन इपोच? नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। देखो जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे जीएस के लिए तो ज्योग्राफी में अर्थ का क्रोनोलॉजिकल, अर्थ की इवोल्यूशन का एक रिलेटिव क्रोनोलॉजिकल डेटिंग दिया गया है। तो अर्थ का जो इवोल्यूशन होता है तो सबसे बड़ा उसको हम एरा में डिवाइड करते हैं, एरा को पीरियड में डिवाइड करते हैं और पीरियड को इपोच में डिवाइड करते हैं। तो पृथ्वी के उद्विकास का जो क्रोनोलॉजिकल एरा है तो उसका सबसे लेट एरा जो है उसको बोलते हैं सीनोजोइक एरा। राइट, सीनोजोइक एरा। और ये सीनोजोइक एरा शुरू होता है लगभग 65 मिलियन ईयर्स एगो, है ना, तब इस धरती पर मनुष्य नहीं था। ये कब शुरू होता है? लगभग 65 मिलियन ईयर्स एगो, तब इस धरती पर मनुष्य का उद्विकास नहीं हुआ था, मानव इस धरती पर नहीं था। ये सीनोजोइक एरा जो है दो पीरियड में डिवाइड होता है, एक तो टर्शियरी और दूसरा क्वार्टरनरी। और ये क्वार्टरनरी जो पीरियड है जो लगभग 3 मिलियन ईयर्स एगो शुरू होता है, इसको दो इपोच में विभाजित किया जाता है, एक प्लीस्टोसीन प्रतिनूतन इसको बोलते हैं और दूसरा होलोसीन इपोच। ये क्यों मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं, इसका संदर्भ है प्री हिस्ट्री समझने में, इसका संदर्भ है। क्यों इसका संदर्भ है? क्योंकि देखो अगर प्री हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो यहां मैन का आप कल्चरल इवोल्यूशन तो हो ही रहा है बट इसका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी हो रहा है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी मनुष्य का हो रहा है। राइट, तो मनुष्य का एक तरफ
कल्चरल इवोल्यूशन हो रहा, दूसरी तरफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो रहा, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि उस समय का इन्वायरमेंट कैसा था, उस समय की इकोलॉजी कैसी थी। तो जो प्लीस्टोसीन इपोच है, जो कि लगभग 3 मिलियंस ईयर्स एगो से लेके 10,000 बीपी बिफोर पास्ट हम यूज करते हैं आर्कियोलॉजी में, जो कि 1950 से पूर्व गिना जाता है, राइट। लगभग 3 मिलियंस ईयर्स एगो से 10,000 BC के बीच है। और इस पीरियड की खासियत क्या है कि ये पीरियड ग्लेशिएशन का पीरियड है और प्लूवियेशन का पीरियड है। ग्लेशिएशन का मतलब क्या है? ग्लेशिएशन इसका मतलब कि लगभग 3 मिलियंस ईयर्स एगो इस धरती पर लगातार बर्फ की बारिश हो रही थी। इस अर्थ का, जैसे आप जब अर्थ का फॉर्मेशन पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि अर्थ क्या था, एक आग का गोला के रूप में इसका डेवलपमेंट होता है। बहुत दिनों तक उसमें से गैस निकलते रहती है और फिर बादल का निर्माण होता है, फिर लगातार बारिश होती है। और बारिश जब होती है तो जो इक्वेटोरियल एरिया है उसमें तो बारिश हो रही है, लेकिन जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है उसमें बर्फ की बारिश हो रही है। और इसलिए आप देखोगे कि हाई एल्टीट्यूड का जो एरिया है अंटार्कटिका आज भी बर्फ से भरी हुई है और आर्कटिक क्षेत्र में भी बर्फ है। तो लगातार बर्फ की बारिश हो रही थी और वर्षा हो रही थी, और इसी पीरियड में मनुष्य का इवोल्यूशन होता है। प्लीस्टोसीन जो इपोच है इसको ह्यूमन का काल कहते हैं, क्योंकि इसी पीरियड में मनुष्य का उद्विकास होता है, इसके पहले मनुष्य का उद्विकास नहीं है। मानव इस धरती पर कब आया कि प्लीस्टोसीन इपोच में। इवन ध्यान रखना है कि एक चीज प्रश्न जब आपसे पूछा जाएगा, कोई भी पूछ सकता है, कि जैसे हम लोग आगे देखेंगे कि न्यूलिथिक में एग्रीकल्चर का विकास होता है, राइट। अब ये बताइए कि यहां पर एग्रीकल्चर का विकास होता है, ठीक है, यहां क्यों नहीं हो रहा है? पेलियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर का विकास क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है? तो वजह बड़ा सिंपल है कि चूंकि ये ग्लेशिएशन का काल है, बर्फ की बारिश हो रही है, यह पुलुवेशन का काल है जहाँ पर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है, खास करके अफ्रीका वगैरह में पुलुवेशन का साक्ष्य मिला है, और यूरोप के आदर्श क्रम में भी ग्लेशिएशन का प्रमाण मिला है, और भारत में हिमालयन रीजन का जब स्टडी, जियोलॉजिकल स्टडी किया गया तो वहाँ भी ग्लेशिएशन का प्रमाण मिला है। तो आप थोड़ा सा IQ इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी अनाज हम उत्पादन करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो उसके लिए सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, और यहाँ तो टेम्परेचर माइनस में था, -20, 30, 40, 50 डिग्री टेम्परेचर था। तो इस टेम्परेचर में अर्थ पर अभी ग्रीन प्रोड्यूसिंग प्लांट का भी इवोल्यूशन नहीं हुआ था, ध्यान ही रखना, एकदम लॉजिक के आपको समझ में आनी चाहिए, आपको हमेशा याद रहेगा। देखो इतिहास में आप सोचते हो कि हम रटेंगे, है ना, रट रट करके हम चीज़ों को याद कर लेंगे, परीक्षा पास कर जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पीछे वाले भूलते जाओगे, राइट। इसलिए आपके पास लॉजिक होनी चाहिए। तो ये आप अभी तक समझ गए होंगे कि यहाँ का क्या, हमने क्यों प्लीस्टोसीन इपोच लिखा। हमने इसलिए लिखा कि ये जो पीरियड है इसकी इकोलॉजी और इन्वायरमेंट इतना टफ थी कि यहाँ पर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल था। एक चीज़ और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे
तो हम कह रहे हैं कि 3 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 10,000 BP तक मनुष्य क्या था, शिकारी संग्रह करता था, ध्यान ही रखना है, शिकारी संग्रह करता था। और लगभग 7,000 BC में हम एग्रीकल्चर करते हैं, राइट। कई जगह पर जैसे आप जाओगे इजिप्ट वगैरह में, तो इजिप्ट वगैरह में 9,000 BC में भी एग्रीकल्चर का प्रमाण मिस्र में मिल रहा। तो हम कह रहे हैं कि 3 मिलियन ईयर से 10,000 BC तक या BP तक हम शिकारी संग्रह करता थे, 7-8,000 BC में हम एग्रीकल्चर शुरू किए, और अभी 2021 हम हैं, तो 7 × 2 = 9, तो इस 9,000 वर्षों में मनुष्य चांद पर चल रहा लग गया, मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहा। तो इतना जो डेवलपमेंट हुआ, ये इस कारण से डेवलपमेंट हुआ कि जो होलोसीन इपोस शुरू होता है 10,000 BC में, यहाँ आके पहले का इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, और इन्वायरमेंट क्या होता है कि ग्लेशिएशन और पोल्यूशन दोनों समाप्त हो जाता है, और इन्वायरमेंट क्या होता है, स्टेबल हो जाता है क्लाइमेट, और अपेक्षाकृत गर्म हो जाता है, आर्द्र हो जाता है, और इसके कारण ही यहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह की शुरुआत होती है। क्योंकि सबसे पहले तो विल्ड प्लांट का डेवलपमेंट होता है, जैसे गेहूँ, जौ, चावल उपजाने वाला धान जो है, ये जंगली पौधा के रूप में डेवलप हुए। बाद में मनुष्य ने हाइब्रिडाइजेशन का मेथड सीखा, और हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य जो है इसको क्या करता है कि उसमें सुधार करता है, और फिर एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है। तो इन बेसिक चीज़ों के जानने के बाद, जो आपको प्री हिस्ट्री में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है प्री हिस्ट्री से, लेकिन कुछ चीज़ें आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप प्री हिस्टोरिक कल्चर को आप बहुत इजीली पहले 3 भाग में बांट लीजिए, एक तो पेलियोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक, तीसरा नियोलिथिक, राइट। और ये पेलियोलिथिक फिर जो है 3 भाग में बंटता है, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। राइट, यानी कि प्री हिस्ट्री के अंतर्गत हमारे पास कितने हो गए, 5 पीरियड। और यहाँ पर हमारा मेन जो चीज है वो है स्टोन टूल्स, राइट, स्टोन टूल्स। अब देखो, प्री हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि स्टोन हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली प्री हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पढ़ते हैं कि तकनीकी में कैसे विकास हो रहा। तो एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस आपको करना है कि यहाँ क्वार्टजाइट पत्थर का हथियार मेन रूप से बन रहा है, क्वार्टजाइट, ये पत्थर का टाइप है क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, राइट। और यहाँ पर है चॉट, जेस्पर, चालसीडोनी, ये कंटिन्यू यहाँ पर आता है, प्लस यहाँ बोन। अब देखो, एक प्रश्न जो बड़ा सिंपल प्रश्न है पीटी के लिए,
पूछा जाए कि मनुष्य ने हड्डी का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए कब करना प्रारंभ किया, तो इसका जवाब क्या है? अपर पैलियोलिथिक, राइट। सबसे पहले मनुष्य ने, पहले स्टोन का ही उपयोग हो रहा, यहां पर बोन का इस्तेमाल हो रहा। ये जो पत्थर है, पत्थर का टाइप, ये यहां से यहां भी आ रहा, यहां आके मेन रूप से बेसाल्ट हो रहा, राइट। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि टूल्स मेकिंग टेक्नोलॉजी, तो देखो यहां पर क्या है, डायरेक्ट परकसन मेथड। देखो ये समझना है आपको कि टेक्नोलॉजी मानव इतिहास में कैसे डेवलप होती है। डायरेक्ट परकसन मेथड का मतलब क्या हुआ कि इस समय मनुष्य के पास इतना ज्यादा तकनीक नहीं डेवलप था, तो क्या करता है कि मान लो एक पत्थर लिया और कोई स्थिर पत्थर है उस पर जाके ऐसे वार करता है और फिर उसमें धार बन जाते हैं, जिसको डायरेक्ट परकसन मेथड कहते हैं। बाद में इसमें भी ये दो है, एक तो स्टेबल हैमर टेक्निक और दूसरा सिलिंड्रिकल हैमर टेक्निक। देखो बाद में लोअर पैलियोलिथिक की मैं बात कर रहा हूँ कि बाद में क्या करता है कि मनुष्य को ये बात समझ में आ गया कि अगर हम पत्थर ले करके या किसी स्थिर पत्थर पर मारेंगे तो हाथ में चोट भी लगेगा और जहाँ हम उसके तोड़ने चाहें, जहाँ वहाँ पर धार बनाना चाहें, तो वहाँ पर धार भी नहीं बनता। तो बाद में एक सिलेंडर के आकार का पत्थर का इस्तेमाल हथौड़े के रूप में कर रहा, तो फिर आप देखोगे कि वहाँ बल आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया काम करेगा, कम बल लगाएंगे और ज़्यादा एनर्जी पैदा करेंगे और एनर्जी का सटीक इस्तेमाल करेंगे। मानव इतिहास को आप पढ़ोगे तो मानव के इतिहास में एनर्जी का सही इस्तेमाल करने की प्रक्रिया से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, राइट। यहां आकर के इनडायरेक्ट और यहां आकर के इनडायरेक्ट प्लस प्रेशर टेक्निक भी है और यहां पर हम कहते हैं कि फ्लूटिंग टेक्निक और यहां पर आकर के पॉलिशिंग टेक्निक। राइट, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये पॉलिशिंग टेक्निक है। इस पे पीटी में कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पॉलिशिंग टेक्निक जो है, तो इस पे ये इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा कि पॉलिशिंग टेक्निक का आविष्कार कब हुआ, तो आपको याद रखना है कि ये न्योलिथिक पीरियड में। देखो एक चीज ध्यान देना है कि हम आगे देखेंगे कि न्योलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर का आविष्कार हुआ है ना, उसके पहले मनुष्य क्या करता था, शिकार करता था, संग्रह करता था, तो मनुष्य मेनली मांस को काटता था। एग्रीकल्चर होने से एग्रीकल्चर के लिए खेत को काटना पड़ेगा, खेत को कोड़ना पड़ेगा और फसल को काटना पड़ेगा, तो हमें ज़्यादा तीक्ष्ण हथियार की जरूरत पड़ी, ज़्यादा शार्प हथियार की जरूरत पड़ी और इसलिए मनुष्य ने क्या किया न्यूलिथिक पीरियड में कि एक पत्थर पर थोड़ा सा बालू और फिर उस पर थोड़ा सा पानी और फिर घिसना शुरू किया, घिस घिस करके और उसमें चमका करके उस पर धार का आविष्कार किया और इसलिए पॉलिशिंग टेक्निक आपके दृष्टिकोण से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जब आप प्री हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कभी कभार टूल्स पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक तो टूल्स आप ध्यान में रखिएगा है ना, तो टूल्स में यहाँ पर टूल्स है ना, जो पेबल पर बनता है,
पेबल मेड है ये, है ना। आपसे पूछेगा कि पेबल पर किस काल में हथियार बनता था, तो पेबल पर मुख्य रूप से प्री हिस्ट्री के पेलियोलिथिक, लोअर पेलियोलिथिक पीरियड में। तो पेबल आपको समझ में आता है, पेबल, व्हाट इज पेबल? पेबल क्या होता है कि जो पत्थर नदी की धारा या ग्लेशियर की धारा में लुढ़कते लुढ़कते गोल मटोल हो जाता है उसको पेबल बोलते हैं। क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और यहां आकर के जो हथियार बनता है वो फ्लैग पर बनता है, ठीक है। फ्लैग क्या है, एक तरह से आप पे ये सोचे किसी पत्थर में हम वार करते हैं और जो चिपी निकलती है उसको फ्लैग कहते हैं। और अपर पैलियोलिथिक पीरियड में यहां आकर के ब्लेड पर पत्थर बनता है। पत्थर का ही ब्लेड होता है, ब्लेड का मतलब क्या है कि ऐसा पत्थर जिसकी चौड़ाई से उसकी लंबाई दोगुनी हो। और यहां पर जो हथियार बनता है उसको माइक्रोलिथ कहते हैं, राइट, बहुत छोटा। और यहां पर फिर आपको कोर टूल्स भी मिलेगा और प्लस माइक्रोलिथ भी मिलेगा। तो ये दोनों चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद टूल्स की बात करेंगे तो यहां पर है चॉपर, है ना। पूछा जा सकता है कि चॉपर किस पीरियड का टूल्स है, तो चॉपर जो है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का टूल्स है। और चॉपर का क्या मतलब हुआ, ऐसा टूल्स जिसमें एक तरफ धार हो, यूनिफेसियल टूल्स, ये है चॉपर। और दूसरा जो है चॉपिंग, ये बाईफेसियल होता है। और फिर हैंड एक्स और फिर क्लीवर, है ना। हैंड एक्स जो हाथ में पकड़ के मारा जाए, क्लीवर काटने या छीलने का हथियार। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में हमारा जो हथियार है मुख्य रूप से वो है स्क्रेपर और बोरर, और फिर पॉइंट भी है। और अपर पैलियोलिथिक पीरियड में ब्लेड और ब्यूरिन, इसको माइक्रोलिथी बोलते हैं। और यहां पर आ जाता है एजी, कुल्हाड़िया, बसुला, सील और लोढ़ा। एक चीज ध्यान ये रखना है कि सील लोढ़ा का डेवलपमेंट कब हुआ, हम लोग घर में भी सील लोढ़ा यूज करते हैं। तो देखो यहां पर चूंकि एग्रीकल्चर हो रहा है ना, एग्रीकल्चर यहां हो रहा, तो गेहूं को कैसे आप खाएंगे। तो न्यूलिथिक पीरियड में कुछ इस तरह के सर्कुलर पत्थर मिले हैं जिसपे खांचे बने हुए हैं, और लोढ़ा टाइप का गोल पत्थर भी मिला है। संभवतः ये लोग उससे उसको कुछ के उसको बना के और तब खाते थे, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ छेनी भी है, हंसिया भी है, ठीक है, खेत को काटने के लिए। सब पत्थर का है, अभी धातु नहीं है। ध्यान ये रखना है कि इस पीरियड में धातु नहीं है। इसके अलावा जो आपको याद रखना है इन चीजों में, उसमें कुछ चीज हम आपको जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है उसी चीज की चर्चा हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। इसमें पहला जो है कि कल्चरल जो डेवलपमेंट है इसमें इन्वेंशन ऑफ फायर, आग का आविष्कार। कई जगह पर इसके बारे में गलत सूचनाएं हैं, कई जगह पर न्यूलिथिक मेसोलिथिक भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे आप लोग, सोर्सेज में भी इस तरह की गलतियां हैं। देखो आग का आविष्कार होमो इरेक्टस करता है। अगर फॉसिल्स मैन की बात करें तो होमो इरेक्टस के साथ आग का साक्ष्य मिलता है।
और होमोइक्टस लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करता था, इसलिए आग का आविष्कार लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में होता है, ध्यान रखना, आग का आविष्कार लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में होता है। और यहां पर जो है मृतक संस्कार, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ह्यूमन में कल्चर डेवलपमेंट होता है कि पहली बार ह्यूमन जो है अपने डेड बॉडी को दफनाना शुरू करता है। ये मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में हमें दिखाई देता है। और अपर पैलियोलिथिक पीरियड में पहली बार आर्ट का डेवलपमेंट होता, आर्ट का विकास, है ना, आर्ट का विकास। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले केव पेंटिंग, है ना, चूंकि प्री हिस्ट्री से केव पेंटिंग जुड़ा हुआ है, तो आपसे पूछा जाए कि केव पेंटिंग की शुरुआत कहां से हो रही, तो अपर पेलियोलिथिक पीरियड से हो रही है, क्योंकि भीमबेटका जो है ये भारत में भीमबेटका, राइट, और आदमगढ़, ये दो इंपॉर्टेंट साइट है, दोनों ही मध्य प्रदेश में है। यहां से केव पेंटिंग गुफा में पेंटिंग का साक्ष्य मिला है, और यहीं से हमको जो एक मदर गॉडेस जो है, मदर गॉडेस की हड्डी की बनी हुई मूर्ति मिली है, आइडल मिला है, जो हड्डी से बनी हुई है, ये लोहदा नाला जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां से हड्डी की बनी हुई माती देवी का आइडल मिला है, मूर्ति मिला है। और एक महाराष्ट्र में है जगह पटने, बिहार का पटना नहीं करें, पटने और भजने, यहां से शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच, है ना, के अंड कवच पर पेंटिंग का प्रमाण मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जब आप प्री हिस्ट्री पढ़ते हैं खासकर ऑब्जेक्टिव के लिए, तो फिर आपको ये चीज याद रखना चाहिए, प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ से आके कुछ खास डेवलपमेंट और होता है, तो पहला चीज क्या होता है, पशुपालन, राइट, मनुष्य ने पहली बार पशुपालन प्रारंभ किया, कब, मेसोलिथिक पीरियड में, राइट। और इसका प्रमाण जो सबसे पुराना प्रमाण हमें मिल रहा, ये राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से, राइट, पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले पशुओं को क्यों पालना शुरू किया, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये भी समझना कि क्यों पशुओं को पालने लगा, है ना। तो देखो एक चीज आप पे थोड़ी सी अगर दिमाग लगाओगे, तो हमने यहां पर बताया कि इस पीरियड में क्या था, प्लीस्टोसिन इपोज, है ना, तो इसमें क्या था, लो टेम्परेचर था, क्योंकि बर्फ की बारिश हो रही थी, तो लो टेम्परेचर में ये लोग बड़े बड़े पशुओं का शिकार करता था, उसको खा लेता था। यहां पर आके मेसोलिथिक पीरियड में हमने बताया कि होलोसिन इपोज शुरू हो गया, और अब भी इन्वायरमेंट जो है क्या हुआ, गर्म हो गया, आर्द्र हो गया, तो अब बड़े पशु को अगर मारेंगे तो उसका मांस खराब हो जाएगा। तो फिर मनुष्य ने क्या करना शुरू किया कि छोटे छोटे पशुओं को पालना शुरू किया। और यहाँ एक और चीज हो रहा कि जंगली अन्न के दानों का संग्रहण, एक नया चीज यहां से डेवलपमेंट होता, कलेक्शन ऑफ वाइल्ड ग्रेन, राइट। यहां क्यों नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी इन्वायरमेंट ऐसी थी कि वहां पर ग्रेन प्रोड्यूसिंग प्लांट का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था। यहां जब इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो फिर ग्रेन प्रोड्यूसिंग प्लांट का डेवलपमेंट होता है,
और इसलिए यहाँ से जंगली अन्न के दानों का संग्रहण प्रारंभ होता है, राइट। यहीं पर आके धनुष और बाण का आविष्कार भी होता है, धनुष एवं बाण का आविष्कार होता है, और यहीं पर आकर के आर्टिफिशियल हाउस का डेवलपमेंट होता है। ध्यान रखना, इसके पहले मनुष्य जो था वो नेचुरल आवास था उसका, क्योंकि वो पहाड़ी के कंदराओं में रहता था। पहली बार ऐसा हो रहा कि यहाँ आकर के मनुष्य मैदानी इलाका में रहना शुरू कर रहा, मैदानी इलाका में रहना शुरू कर रहा, राइट। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि देखो, यहां तक कभी हमें प्रमाण नहीं मिलता है कि मनुष्य मनुष्य के बीच फाइट हो रहा होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट के साथ इतना टफ फाइट था कि मनुष्य और मनुष्य के बीच फाइट नहीं होता था। लेकिन मेसोलिथिक पीरियड में अलग अलग ग्रुप बन गया, चूंकि अपना झोपड़ी बनाने लगा लोग अलग अलग, तो फिर यहाँ से मनुष्य और मनुष्य के बीच फाइट का जो टेंडेंसी है वो यहीं से चलता है, जिसका प्रमाण हमें मिला है एक उत्तर प्रदेश के सराय नहर राय है जगह, यहाँ से मनुष्य के मस्तिष्क में तीर लगा होने का प्रमाण मिला है। सो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कभी पूछेगा कि मनुष्य के मस्तिष्क में तीर लगा होने का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो उत्तर प्रदेश के सराय नहर राय से मिला है। और इससे हमें ये बात पता चलता है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच फाइट होना शुरू हो गया था, राइट। अब जो आपका न्यूलिथिक पीरियड है इसमें कुछ खास डेवलपमेंट होता है, इसको ध्यान में रखना है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है एग्रीकल्चर, राइट, एग्रीकल्चर का विकास। और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना जो जगह है जहाँ से मिलता है, ये मिलता है मेहरगढ़ से। यहाँ से गेहूँ एवं जौ उपजाने का प्रमाण 7000 BC में मिलता है, ठीक है। और सबसे पुराना चावल उपजाने का साक्ष्य जो है ये विश्व में, मैं कह रहा हूं, ये कोल्डिहवा से मिलता है। कोल्डिहवा जो है उत्तर प्रदेश में है, राइट। और फिर मालिक के साथ कुत्ता को दफनाना, इसका साक्ष्य मिलता है बुरझूम है कश्मीर में, ठीक है। वहां पर कुत्ता इतना प्रिय पशु के रूप में डेवलप करता है कि मालिक के साथ उसको दफनाया जाता है। यहाँ पर आकर के संस्कृति डेवलप हो जाती है। और आगे आपका जैसे बिहार का अगर तैयारी करते हैं तो आपको चिरांद को याद रखना है कि चिरांद बिहार का एक प्रमुख न्यूलिथिक साइट है जो गंगा नदी के तट पर अवस्थित है सारण जिले में। और यहाँ से जो कल्चर डेवलपमेंट है वो लगातार न्यूलिथिक पीरियड से लेके मध्यकाल तक लगातार कल्चर डेवलपमेंट का प्रमाण मिलता है। न्यूलिथिक पीरियड में आकर के ये पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में डेवलपमेंट हो जाता है। एक दो चीज़ और आप ध्यान में रख सकते हैं कि इसके साथ जो फॉसिल्स है ये भारत में भी मिला है, होमो इरेक्टस जुड़ा हुआ है। और इसका प्रमाण जो है मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में हथनौड़ा नामक जगह से मिला है होमो इरेक्टस का प्रमाण। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में हथनौड़ा एक जगह है, यहाँ से होमो इरेक्टस का प्रमाण मिला है। इससे रिलेटेड है नीदरथल मानव, लेकिन इसका प्रमाण भारत में अभी तक नहीं मिला है। और अपर प्लेलिथिक पीरियड में होमो सेपियंस सेपियंस मेधावी मानव जिसको बोलते हैं उसका डेवलपमेंट होता है।
और आगे फिर फॉसिल्स हमें नहीं मिलेगा, मानव कंकाल मिलता है। इसके अलावा आप कुछ चीज़ें और याद रख सकते हैं, जैसे इससे रिलेटेड उत्तर भारत में सोहन संस्कृति है तो दक्षिण भारत में मद्रासियन संस्कृति है, ये तीनों एक साथ भी मिलते हैं, एक जगह पर मिलते हैं, और ख़ास करके पीटी की तैयारी के लिए इतना फैक्ट्स, इतना चीज़ जो है आपको प्री हिस्ट्री के संदर्भ में काफ़ी है, और इसके माध्यम से आप अपनी पीटी की तैयारी को आगे जारी रख सकते हैं। फिर आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इतिहास के अगले खंड के बारे में, राइट? तो आज इतना ही, थैंक यू।